कला विविधताओं की प्रस्तुतियों पर आधारित श्रृंखला गमक की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा परिकल्पित एक ऐसा सिलसिला जिसमें हिंदुस्तानी तहजीब के रंग रोशन होते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी ने आज सुरताल और लयकारी का एक ऐसा ही मनोहारी ताना बाना आप सबके लिए रचा है। आज की सभा में आप आनंद लेंगे ध्रुपद गायन और कथक नृत्य की प्रस्तुतियों का। हमारे साथ कलाकार होंगे ध्रुपद गायक श्री कमलेश तिवारी और कथक नृत्य की प्रस्तुतियों के साथ आप सबसे मुखातिब होंगे जबलपुर की सुश्री नेहा जैन। आदरणीय देवी सज्जनों, आप सब जानते ही हैं कि वैश्विक आपदा के चलते संस्कृति विभाग ने इन प्रस्तुतियों का प्रसारण अपनी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और फेसबुक के जरिए आप सब तक पहुंचाने का उपक्रम किया है। आज की प्रस्तुति का मंगलाचरण हम ध्रुपद गायन से कर रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया, आज ध्रुपद गायन की प्रस्तुतियों के साथ हम सबके बीच हैं प्रतिभाशाली युवा ध्रुपद गायक श्री कमलेश तिवारी। आदरणीय रसिक जनों, शास्त्र कहता है, नादरूपो स्मृतो ब्रह्म नादस्य च जनादिनः नादरूपा पराशक्ति नादरूपो महेश्वर। यानी नाद ही ईश्वर है, प्राण तत्व है, संपूर्ण जगत नादमय है और नाद ब्रह्म की इसी उपासना का नाम है संगीत। संगीत यानी श्रुतियों का संगम जिन्हें सुना गुना जा सकता है, हमारे चित्त में बसाया जा सकता है और इसी शक्ति के साथ जब हम अपने जीवन से संगीत को जोड़ने का उपक्रम करते हैं तो हमारे साथ हमारे अंतर्भावों की एक यात्रा शुरू होती है। करुणा, शोक, श्रृंगार, हमारा निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं, जैसे सब कुछ इन सात सुरों में रचे बसे हमें नजर आते हैं। ध्रुपद संगीत की एक ऐसी ही शैली है जिसने इन तमाम खूबियों को अपने भीतर आत्मसात किया है। संगीत के इसी रहस्य को हमारे ऋषियों, मुनियों और तपस्वी साधकों ने लंबी साधना के बाद समझा और स्वर परंपरा के संस्कार आने वाली पीढ़ियों को सौंपे। एक ऐसे ही विरासत के उत्तराधिकार के रूप में आज हमारे बीच ध्रुपद गायक श्री कमलेश तिवारी हैं। कमलेश तिवारी सुरमणि की उपाधि से अलंकृत हैं और उन्होंने ध्रुपद संगीत की तालीम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ध्रुपद गायक पंडित उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा से प्राप्त की। देश विदेश की कई शोधवृत्तियां और छात्रवृत्तियां आपको प्राप्त हैं और तानसेन समारोह सहित कई सभाओं और कई महफिलों में आप ध्रुपद गायन की प्रस्तुति दे चुके हैं। आज की सभा में कमलेश तिवारी प्रस्तुत करेंगे राग भूप में पहले आलाप जोड़ और झाला, उसके बाद सूल ताल में एक बंदेश। आइए मंगलाचरण करते हैं गमक की आज की सभा का और सुनते हैं ध्रुपद गायन। Ah.
Da 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 da
तू आकाश तू
Sama
Sankara 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 Sutta
शंकर 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 सुत शंकर कर सुत शंकर कर कर सुत गणेश शंकर कर सुत गणेश शंकर सुत गणेश गणेश शंकर शंकर कर सुत कर सुत कर सुत गणेश कर सुत गणेश कर सुत कर सुत गणेश शंकर शंकर सुत गणेश शंकर शंकर सुत गणेश शंकर शंकर सुत गणेश शंकर सुत गणेश सुत गणेश शंकर सुत गणेश विघ्न विनाशन गौरी नंदन शंकर सुत गणेश शंकर शंकर सुत गणेश विनाशन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन गौरी नंदन बुद्धि विधाता बुद्धि विधाता 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 बुद्धि विधा बुद्धि 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 विधाता विधाता शंकर सुत गणेश मंगल दायक मंगल दायक मंगल 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 दायक मंगल दायक मंगल दायक मंगल दायक मंगल दायक तुम हो कृपा सिंधु तुम हो कृपा सिंधु मूषक वाहन काटो सब कलेश शंकर सुत गणेश जय जय गण Yeah.
दीस गाड़ा दीसा सूर नार पूजिता जय पूजिता पूजिता जय जय गणा जय जय गणा दीसा सूर सूर जय गणाधीश सुर नर पूजित भक्तन के हित भक्तन के हित करत हो आदेश शंकर सुत गणेश शंकर सुत गणेश शंकर सुत गणेश शंकर अभी आप आनंद ले रहे थे ध्रुपद गायन का। कलाकार थे श्री कमलेश तिवारी। आज की सभा के दूसरे चरण की ओर रुख करते हैं और आनंद लेते हैं कथक नृत्य का। कलाकार हैं सुश्री नेहा जैन। कहते हैं गीतम वाद्यम नृत्यम च संगीतम उच्यते। संगीत की संपूर्ण परिभाषा में देखें तो नृत्य एक ऐसी शैली के रूप में, ऐसे तत्व के रूप में शामिल होता है जिसे हम जीवन के आनंदित लय ताल की कविता कहते हैं। और यह कविता जब हमारे जीवन से उठकर कलाओं में शामिल होती है तो जैसे आत्मा का उत्सव बन जाया करती हैं। एक ऐसे ही रंगों महक से सराबोर कथक की कुछ बंदिशों के साथ आज हम सब से रूबरू हैं सुश्री नेहा जैन। नेहा जैन जबलपुर के रहवासी हैं और उन्होंने कथक की तालीम अपनी गुरु श्रीमती नीलांगी कलंत्रे से प्राप्त की। वे कई सभाओं में एकल और समूह नृत्य की प्रस्तुतियां दे चुके हैं और आज की सभा में उन्होंने नृत्य के लिए सबसे पहले कालका बिंदादिन महाराज की रचना को चुना है। वे प्रस्तुत करेंगी शिव पार्वती वंदना और उसके बाद तीन ताल पर आधारित कुछ शास्त्रबंध प्रस्तुतियां जिसमें आप देखेंगे आमत उठान तोड़े कुछ परन और कुछ तिहाइयां। आइए आनंद लेते हैं कथक नृत्य की प्रस्तुति का और कलाकार हैं सुश्री नेहा जैन। आज की इस सभा में नेहा जी के साथ जो संगत कलाकार हिस्सेदारी कर रहे हैं उनका परिचय इस प्रकार है। तबले पर श्री लोकेश मालवीय, हारमोनियम पर संगत करने के लिए श्री रमेश पुरी गोस्वामी मौजूद हैं, गायिका हैं कुमारी शर्मिष्ठा घोष और सारंगी पर संगत करने के लिए श्री संतोष मिश्रा उपस्थित हैं। Yeah.
Thank you.
Dagen, a da, 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 dagen, a da
तो देवी सज्जनों, आप आनंद ले रहे थे गमक की आज की सभा में ध्रुपद गायन और कथक नृत्य की प्रस्तुति का। कल शाम एक बार फिर हम ऐसे ही कुछ गीत संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों के साथ आपसे मुखातिब होंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।